माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि आपको पता है कि यहाँ पे लाइफ बहुत हेक्टिक है। मैं जॉब करती हूँ, जॉब के साथ साथ घर संभालना, फिर वीकेंड्स पे ग्रॉसरी करना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। और साथ साथ ये भी मेरे मन में था कि मैं अपने चैनल पर वो ब्लॉग अपलोड करूँ जो रिलेवेंट हो, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मैंने सोचा कोई ऐसा ब्लॉग बनाऊँ जो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। क्योंकि जब हम कनाडा आते हैं तो हम सारे प्लान्स बना लेते हैं कि हमें वीज़ा लगाना है, वीज़ा के लिए फंड्स दिखाने पड़ेंगे, बाकी सारे डिसीजंस हम ले लेते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि एक मेजर डिसीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो हमारा होता है वो ये भी होता है कि हम कौन सी सिटी में मूव हो रहे हैं कनाडा की। क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं और जब हम किसी ऐसी सिटी में, अगर ये डिसीजन हमारा गलत हो गया और हम किसी ऐसी सिटी में हम मूव हो गए जहाँ पे हमें ईज़िली जॉब नहीं मिल रही, जॉब के लिए हम पहले परेशान हो रहे हैं और वहाँ पे हमारी कोई कम्युनिटी नहीं बन पा रही है, हम जिस कंट्री से, अगर हम इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, जो जिस भी कंट्री से हों हम हों और हमारा कोई कम्युनिटी नहीं है, फ्रेंड सर्कल नहीं है, हमें अपनी ग्रॉसरी लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें अपनी इंडियन ग्रॉसरी नहीं मिल रही है, तो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पर। क्यों, आज का टॉपिक यही है कि हम कौन सी सिटी में मूव हों, कैनेडा में कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो बेस्ट हैं फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, जहाँ पर हमें जॉब ईजिली मिले, बाकी चीज़ें हमें ईजिली मिले। तो जो मैंने यहाँ देखा कि इमिग्रेंट्स की फेवरेट सिटी है यहाँ पर, वो है टोरंटो। टोरंटो यहाँ बहुत लोग जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं वो इंडिया से, अपनी होम कंट्री से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें टोरंटो मूव होना है और यहाँ आके वो सेटल्ड होंगे। उसका एक मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे आपकी हर कम्युनिटी, जब किस भी कम्युनिटी से आते हैं, मीन्स अगर आप इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यूक्रेनियन, किस कहीं से भी, किसी भी कंट्री से हैं आप, तो आपको अपनी कम्युनिटी वहाँ ईज़िली मिल जाती है। आपको अपनी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, पंजाबी, गुजराती, आपको न्यूज़पेपर मिल जाते हैं। आपका जो रेडियो चैनल है, रेडियो चैनल आपको हिंदी में मिलेगा, आपको पंजाबी में मिल जाता है रेडियो चैनल, टीवी में चैनल्स आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं वहाँ पे। और एक अच्छी चीज़ वहाँ ये भी है कि आपकी ग्रॉसरी जो आपकी है, आपको पूरी अपनी कंट्री की, होम कंट्री की पूरी ग्रॉसरी मिल जाती है। इंडियन ग्रॉसरी बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, जो आप, जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल टिंडे और पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, परवल और भी चीज़ें हैं, आपको चीप रेट्स पे मिल जाती हैं, सही रेट पे वहाँ मिल जाती है, क्योंकि कम्युनिटी वहाँ इतनी है। तो लोग आटा है वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी, सीज़न के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। नौ दुर्गे होंगे तो नौ दुर्गों में, वहाँ पर नवरात्रों में उस टाइप का फूड मिलेगा आपको। इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, पानी पूरी, आपको पूरा एक स्ट्रीट है टोरंटो में जहाँ पूरा आपको इंडियन स्ट्रीट्स मिलेंगी, इंडियन वेयर आपको पूरा मिल जाएगा, सलवार सूट हो वुमेंस के या फिर मैन वेयर हो, तो आपको ईजिली चीज़ें मिल जाती है। पर वहाँ का ड्रॉबैक ये है कि आपको वहाँ पर जॉब ईजिली नहीं मिलती, क्योंकि वो न्यू इमिग्रेंट्स वहाँ आते ही रहते हैं, तो वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, आपको ईजिली इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती है वहाँ पर। आप घर लेना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ की लाइफ बहुत हेक्टिक है इन शॉर्ट। क्योंकि जैसे कि बाकी हर जगह की बिग कंट्रीज़ की बिग सिटीज़ में होता है कि आपको घर लेना इतना टफ पड़ता है क्योंकि वहाँ बहुत कॉस्टली है। अगर आप रेंट पे लेते हैं तो वो भी कॉस्टली है, और अगर आप खुद ख़रीदने का सोचते हैं, क्योंकि हम इमिग्रेंट्स का एक सपना होता है कि हम कनाडा आएँ, कनाडा में भी हमारा खुद का घर हो, तो यहाँ पर वो सपना थोड़ा पूरा करना टोरंटो में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मोस्ट ऑफ़ द कैनेडियंस के लिए भी यहाँ डिफरेंट होता है। न्यूज़ में अक्सर आता है कि वहाँ पे टोरंटो में आपके बहुत एक्सपेंसिव है घर, घर आपको ख़रीदना बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो प्रॉब्लम पड़ती है। और अगर आप रेंट पे घर ले रहे हैं डाउनटाउन एरिया में, हर जगह है वैसे, अगर आप डाउनटाउन एरिया में ले रहे हैं घर रेंट पे या फिर ख़रीदते हैं, तो थोड़ा महंगा पड़ता है। और अगर आप डाउनटाउन से दूर जाके लेते हैं तो थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा, चीप रेट पे मिलेगा। तो है वो बहुत बिजी सिटी है, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे कंपेयर करना पड़े अपनी इंडिया में किसी सिटी से, तो मैं कंपेयर करूँगी उसे दिल्ली और मुंबई से। जैसे दिल्ली में हमारी लाइफ बहुत, वहाँ हेक्टिक रहती है, बिज़ी रहती है,
हमें ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे। सेम आपका टोरंटो में है, मिनिमम वहाँ टाइम अगर आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जा रहे हैं तो हाफ एन आवर लग जाता है। ये मिनिमम टाइम है वहाँ पे कि आपको हाफ एन आवर लगेगा। तो आपका टाइम ऑफ मतलब ऑन एन एवरेज आपका रोड पे ही निकल जाता है कि आप रोड पे हैं, घर गए, घर पे बस थोड़ा रेस्ट किया, इसी में आपका टाइम निकल जाता है। तो मेरी अगर बात करें, लोगों को पसंद आता है टोरंटो पर, अगर आप बात करें तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लाइफ मैं शायद इंडिया में देख के आई हूँ कि वो हेक्टिक लाइफ कि आप ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मुझे टोरंटो बिल्कुल पसंद नहीं है। घूमने का उससे बहुत अच्छा है, वहाँ घूमने की प्लेसेस बहुत अच्छी अच्छी हैं, फेमस प्लेसेस हैं, आप फैमिली के साथ कभी जाएँ तो विज़िट कर सकते हो, पर अगर आपको वहाँ पर रहना है, सेटल होना है, तो मुझे टोरंटो अच्छा नहीं लगता। और सेकंड एक और फेवरेट लोगों की जगह है इमिग्रेंट्स की, न्यू इमिग्रेंट्स की, वो है वैंकूवर। वैंकूवर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, मोस्ट ऑफ द जो पंजाबीज हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो पंजाब की जो कम्युनिटी है पंजाबियों की, वो सबसे ज़्यादा वैंकूवर में है। पर वैंकूवर वही है कि वैंकूवर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ पर सेम आपको जॉब्स मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, घर बहुत कॉस्टली है वहाँ पे। अगर आप एवरेज इमिग्रेंट हैं तो आपके लिए सर्वाइव करना वैंकूवर में डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स वैंकूवर चूज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, पर एक्सपेंसिव भी बहुत है वो वैंकूवर। लोग हमेशा कहते हैं कि जितना मैंने सुना है यहाँ पे कि वैंकूवर बहुत कॉस्टली है, तो अगर आप रिच हैं तो आपके लिए वो बेस्ट प्लेस है वैंकूवर, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो एक चॉइस आप लोगों के लिए ये भी है कि वैंकूवर भी हम मूव हो सकते हैं। अगर थर्ड प्लेस, ये मैं आपको मेजर प्लेसेस बता रही हूँ जो यहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोग मूव होते हैं, कि टोरंटो मूव है, वैंकूवर मूव होते हैं, पर और भी छोटी छोटी जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग मूव होना पसंद करते हैं। एक और फेमस सिटी है जो है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे भी ज़्यादा लोग आना पसंद करते हैं, मूव होते हैं न्यू इमिग्रेंट्स। वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, अगर आप सिटी की बात करें तो पूरी यूरोपियन स्टाइल की सिटी है, बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, और अगर आप बाइलिंगुअल हैं, आपको फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, तो आपका पे चेक थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको बहुत अच्छी सैलरी वहाँ ऑफर करते हैं। अगर कंपेयर किया जाए टोरंटो और वैंकूवर से, तो आपको थोड़ा जॉब मिलना यहाँ पे इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एक्सपेंसिव भी थोड़ा कम है मॉन्ट्रियल, और वेदर भी यहाँ का थोड़ा अच्छा है। थोड़े लोग शिकायत करते हैं वेदर को लेके, वेजेस को लेके, पर वेदर तो एक, जैसे आपको पता है कि कनाडा की पहचान है कि यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, स्नोफॉल थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप वेदर की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर सिटी में यहाँ ऐसे ही होता है, हर सिटी का डिफरेंट वेदर कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। तो मॉन्ट्रियल भी एक ऑप्शन है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए मूव होने के लिए। और अब बात करते हैं कैलगरी की। कैलगरी के बारे में आपने सुना होगा, लास्ट ईयर आई थिंक न्यूज़ में आया था कि वो वर्ल्ड की क्लीनेस्ट कंट्री है, सिटी है, सॉरी, वर्ल्ड की क्लीनेस्ट सिटी है, और शायद ग्लोबल रैंकिंग में भी वो आई थी, टॉप रैंक किया था उसने। तो कैलगरी के बारे में बहुत फेमस है कि कैलगरी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ग्रीनरी वहाँ बहुत अच्छी है, और आप वहाँ पे आपको एक डिसेंट जॉब इजीली मिल जाती है, सर्च करना इजी है वहाँ पे, होम सर्च करना, आपको अपने बजट के अंदर आपको घर मिल जाते हैं, और वहाँ आपको पता हो कि कैलगरी ऑयल कैपिटल भी है, तो वहाँ पे ऑयल कैपिटल कनाडा की, तो वहाँ पे आपको ऑयल रिफाइनरीज बहुत दिखती हैं, वहाँ पे आपका टैक्स है जो सबसे मिनिमम टैक्स वहाँ लगता है, कम टैक्स है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देख के देखा जाए तो मेरी फेवरेट है कैलगरी। कैलगरी एक अच्छी सिटी है जहाँ पे आपको अपनी, जैसे टोरंटो में चीज़ें मिल जाती हैं इंडियन, आपको ग्रॉसरी इजीली मिल जाती है, तो वैसे ही आपको कैलगरी में भी मिल जाएगी, पर हाँ, आप लेस ट्रैफिक मिलेगा आपको, लेस आपको कॉम्पिटिशन होगा
टर्म्स ऑफ जॉब्स, जॉब में आपको कंपटीशन इतना फेस नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा कि आपको प्रॉब्लम हो सर्च करने में, घर इतने एक्सपेंसिव नहीं है और आपको ट्रैवल करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो कैलगरी भी एक अच्छा ऑप्शन है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। और तो ये मेजर सिटीज़ थी कैनेडा की जहाँ पर लोग मूव होना पसंद करते हैं, न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं तो वो प्रिफर करते हैं वो टोरंटो जाएँ, वैंकूवर जाएँ, मॉन्ट्रियल जाएँ, पर ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और सिटी नहीं है, इसके पास भी और सिटीज़ हैं जैसे कि ओंटारियो है, ओंटारियो के पास बहुत सारी ऐसी जगह हैं, अटलांटिक प्रोविंस में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको ईजली आपको सर्वाइव करना मुझे लगता है कि थोड़ा ईजी रहता है, आपको जॉब भी थोड़ी सही मिल जाती है, अगर घर लेना आपका सपना है तो आपका वो सपना भी वहाँ पे थोड़े कम पैसों में, कम बजट में आपका वो पूरा हो सकता है। और आप इतनी, अगर आपको इतनी हेक्टिक लाइफ पसंद नहीं है, अगर आप अपनी होम कंट्री से वो सब देख के आए, आपको थोड़ी पीसफुल लाइफ चाहिए, तो जो इन जगहों के पास जो जैसे ओंटारियो है, अटलांटिक प्रोविंस में और जगह हैं, एक मेरे माइंड में आ रही है हैलिफैक्स जैसे एक जगह है, तो वहाँ पर आपकी थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर इतना रश नहीं होता, इतना ट्रैफिक नहीं होता है। और सब कुछ अगर बात करे जाए कि आपको कम्युनिटी की तो उतनी नहीं मिलेगी जितना आपको टोरंटो में मिल जाती है या बिग सिटीज़ में मिल जाएगी, पर हाँ इधर भी आपको अपनी कम्युनिटी ईजली मिल जाती हैं, आपको ग्रॉसरी ईजली मिल जाती है, खाने में आपको ऐसे इंडियन ग्रॉसरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और फीडबैक ज़रूर आप अपना कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर देना। टिल देन बाय, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।